जिला डूडा नगरीय विकास अधिकरण डूडा के तत्वावधान में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में स्वलंबी रेहड़ी पटरी वालों के स्वनिधि उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वनिधि उत्सव में महिलाओं द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उसके बाद गणेश वंदना आरंभ किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने भगवान गणेश पर एक नृत्य प्रस्तुत किया। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार की योजना है कि रेहड़ी पटरी वालों को लोन देकर स्वलंबी बनाया जाए, जिसके लिए पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, गोरखपुर में 20,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया जा चुका है, जिसका लोग ईमानदारी से किस्त भर रहे हैं, और कुछ लोग जो 10,000 लोन भर कर 20,000 लिए हैं, अगर वह व्यक्ति 20,000 का लोन भर देगा तो उस व्यक्ति को 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, क्योंकि लोग 5 से 10% पर कर्ज लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करते थे, उस पर विराम लगा है। लोग पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले रहे हैं और स्वलंबी बन रहे हैं। इस अवसर पर नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, डॉक्टर श्री उमाशंकर जी, प्रवीण परवीन जी, प्रीति गुप्ता मैम, खुशी वर्मा, कोमल वर्मा, अनमोल कुमारी, सिमरन, खुशनुमा अपनी प्रतियोगिता कंटिन्यू करें। रक्षाबंधन से पहले लग गया सबको। बहुत बीच में गैप हो रहा है यार, चलिए हो गया, थैंक यू। अरे रुके अभी, मेरी जगह नहीं है, रुके रहिएगा अभी, वही ठीक है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्तुति नमोस्तुते। यदि ईश्वर के चरणों में जनपद गोरखपुर के साथ संपूर्ण भारत में हर एक निवासी को स्वावलंबित बनाने के लिए हे ईश्वर आपका वरद हस्त समस्त जनमानस पर सदैव बना रहे, प्रत्येक मनुष्य की मनुष्यता को जीवंत बनाती रहे। यार बढ़िया स्टैंड है। जैसा कि
आप लोग के संज्ञान में होगा, स्वनिधि स्कीम, इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जून 2020 में, और उसके बाद से लगातार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इतना ज़्यादा काम किया कि जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें उनका अभूतपूर्व योगदान रहा, और उनके इस अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए और अर्बन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है उसके उसको सराहना करने के लिए, उनके मोरल को और बूस्टअप देने के लिए आज पूरे देश में 75 शहरों में स्वनिधि महोत्सव एक कल्चरल इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, रेड़ी वाले, खुमचे वाले, पटरी वाले, ठेले, सभी लोगों को हम लोग जो है उनके परिवारों के साथ बैठ कर एक सांस्कृतिक उत्सव मना रहे हैं। मुख्य उद्देश्य इनको आगे बढ़ावा देना है। गोरखपुर में जो आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोग जो प्रथम जो ऋण हमारा है 19,000 से ऊपर हमने लोगों को फर्स्ट लोन दे दिया है, सेकेंड लोन भी हमने बड़ी संख्या में दिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो टारगेट था उसका 102% है, मतलब हमने टारगेट से ज़्यादा ही उनको लोन दिया है। और अभी भी जितने भी लोग चाह रहे हैं हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, और हम लोग इनको जो अर्बन इकोनॉमी में इनकी जो सक्रिय भूमिका है इस पर हम लोग लगातार काम करते हुए, कहीं इनको कोई दिक्कत भी आ रही है तो जितने हमारे बैंक के मैनेजर्स हैं, बैंक के प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हुए हमारे सीनियर ऑफिसर उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो भी आदमी लोन चाह रहा है, पहला लोन उनका 10,000 का है, फिर 20,000 का, उसके बाद 50,000 का है, कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत को हम लोग दूर करा के उनको लोन दिला रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि गोरखपुर शहर में जगह जगह जो स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग अलग जो उनको एक वेंडिंग जोन बनाया गया है उस पर वो लोग काम करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं, उनका परिवार खुशहाल हो रहा है। और आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनकी स्ट्रीट अर्बन इकोनॉमी में जो इनकी भूमिका है उसको सराहते हुए उनको एक आज का जो एक अर्बन इकोनॉमी का महत्वपूर्ण अंग माना है, और इनको और ज़्यादा सक्रिय करने के लिए, इनकी जो मनोबल को और अधिक ऊंचा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन से हमारा ये मानना है कि पूरे देश के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जो आर्थिक जीवन रेखा है, रूपरेखा है, उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आगे चलकर वो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बनेंगे। नहीं, ब्याज देखिए उनको निःशुल्क ये होता है और इसमें ये लोग अपना काम करते हैं। मेन ये रहता है कि जो छोटे छोटे जिनकी पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है, कम पूंजी होती है, उनको पहले 10,000 का एक दिया जाता है एक निर्धारित अवधि के लिए, जब उसको वो निश्चित रूप से उसको रिपे कर देते हैं तो उसके बाद उनको 20,000 का रुपये उनके चाहने पर उनको 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जिसके पास पूंजी नहीं है और वो व्यवसाय करना चाहता है, अपना कोई काम करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी जो है ये एक आधार होता है। इसकी मदद पाकर 10,000 रुपये की मदद से वो कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो आज के समय में कहीं पर ठेला लगा ले, कहीं पर अपनी दुकान कर ले छोटी सी। तो निश्चित रूप से जो ये इस प्रकार के काम करने वाले जो बेरोजगारी की समस्या है इससे बहुत ज़्यादा हद तक दूर हुई है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, जिस समय कि गोरखपुर में बहुत बड़ी एक इसको हम लोग महामारी के रूप में देख रहे थे और निश्चित रूप से सभी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था, ऐसे समय में जो हमारी पीएम स्वनिधि थी उसने इनके साथ खड़े होकर पूरे संकट के घड़ी में सभी लोगों को बाहर निकाला, और जितने लोग भी थे बेरोजगार थे पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको रोजगार मिला और उनको अपने परिवार का जो संचालन करने में, घर के परिवार को चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। आज बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर प्रेक्षागृह में भारत सरकार की जो योजना है रेहड़ी पटरी वाले लोगों को लोन देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए, इस क्रम में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के प्रयास में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपया ऋण देने का प्रावधान है। और गोरखपुर में जो टारगेट था उससे ज़्यादा लगभग 20,000 लोगों को 10,000 रुपया का लोन दिया जा चुका है, उसमें लोग आपस कर रहे हैं। 30% लोगों ने 10,000 रुपया आपस करके 20,000 रुपया पुनः लिया है।
और 20,000 रुपया जो वापस कर देगा उसको 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। जो साहूकारों से 5% 10% पर लेकर रेहाड़ी पट्टी वाले लोग काम करते थे उस पर विराम लगा है, और ये लोग इसी तरह से सरकार द्वारा दी गई ऋण का उचित व्यवहार करेंगे, उचित ढंग से उसका पेमेंट करेंगे तो इनको काफ़ी लाभ होगा और भारी ब्याज से बच जाएंगे और इन्हें स्वावलंबी बनने में जो भारत सरकार की योजना है वो 100% पूरी होगी। तमाम में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित में मैदी प्रतियोगिता क्या सम्मान किया जाएगा जो ऐसे लोग जो अच्छा कार्यक्रम करेगा उसे डूडा नगर निगम के तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा, उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इस तरह की हमारी सरकार की योजना है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, फुटपाथ पर अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं उनका जीवन स्तर किस तरह से उठाया जाए। जब तक इनका जीवन स्तर नहीं उठेगा ये समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। ये भारत की बहुत बड़ी योजना है और इसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। मैं मोदी जी को, योगी जी को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रेहाड़ी पट्टी वालों के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकार ने जगह आरक्षित किया, लेकिन ये लोग उसकी अवहेला कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, निःशुल्क उन लोगों को व्यवस्था दी गई है उसका उपयोग करें और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करें। ऐसा करके शहर का भी कल्याण होगा और भारत सरकार की योजना और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का महत्वपूर्ण लाभ इन्हें मिलेगा। उस जगह पर पीने की पानी, लाइट और शौचालय की मुफ्त व्यवस्था की गई है, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह करूंगा पटरी वालों, पूरी पारदर्शिता बरती गई है, अलर्ट भी किए गए हैं, लॉटरी के आधार पर उसका ये लोग उपयोग करें, इससे समाज को काफ़ी लाभ होगा।